आने वाले विधानसभा चुनाव और मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। आज और कल दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसमें चुनावी एजेंडों पर मंथन होगा। शाम 4 बजे पीएम मोदी और जेपी नड्डा बैठक की शुरुआत करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और राज्य प्रभारी शामिल होंगे। और शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के साथ। 1 घंटे में पीएम मोदी रोड शो करते हुए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो शामिल होंगे। 1 घंटे का वक्त है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे ये रोड शो शाम 4 बजे। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो 2 दिनों तक चलने जा रही है, आज उसकी शुरुआत और उसके बाद 2 दिनों तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीजेपी मंथन करने जा रही है। लेकिन किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जोरों शोरों से ये तस्वीरें उससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ढोल नगाड़ों का इंतजाम है। जब प्रधानमंत्री बैठक में पहुंचेंगे तो उनका स्वागत कुछ इस तरह से किया जाएगा और उसी की ये तैयारी इस वक्त आपके सामने तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संभव है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहां पर रोड शो का आयोजन किया गया है। यहां पर देखिए असमिया लोक नृत्य, असमी नृत्य के जरिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस पूरे 460 मीटर इलाके को जहां से प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे और एनडीएमसी सेंटर तक पहुंचेंगे, उस पूरे इलाके को खास तौर पर सजाया गया है फूल मालाओं से, भगवा रंग की झंडियों से। गुजरात की महाविजय के बाद ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इसी उपलक्ष्य में उस जीत के जश्न को देश और दुनिया और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए रोड शो का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देखिए आप रंग बिरंगी वेशभूषा में ढोल नगाड़े के साथ तमाम जो है लोक कलाकार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, जिसके बाहर यहाँ पर ये जो ढोल नगाड़े वाले हैं वो पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आतुर हैं। कार्यकर्ताओं की लंबी जमात यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। तो रोड शो का आयोजन गुजरात की जीत की खुशी में, रोड शो प्रधानमंत्री दिल्ली आए हैं, दिल्ली देश का दिल है तो अवभगत नहीं करेगी, दिल्ली अवभगत के लिए है। प्रधानमंत्री तो यहीं रहते हैं, प्रधानमंत्री सभी के दिलों में रहते हैं ऐसे तो, पर दिल्ली आए हैं तो दिल्ली स्वागत कर रही है। गुजरात की जीत से जो बूस्ट मिलेगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक जाएगा और यही संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के जरिए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचेंगे। कैमरामैन मोहित कासले के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज दिल्ली। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आपने तैयारियों की तस्वीरें दिखाई, ठीक 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री रोड शो करने जा रहे हैं और ये भी बताइए कि ये जो 2 दिनों तक मंथन होना है उसमें होगा क्या? देखिए बिल्कुल 2 दिनों का जो मंथन होगा उसमें संगठन के कार्यक्रमों की चर्चा होगी, आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण है ये जो साल है 2023 का, 9 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें से हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके अलावा कर्नाटक के विधानसभा चुनाव होने हैं। तो दक्षिण फतेह का जो बीजेपी का एक एजेंडा है, मिशन है, उसकी शुरुआत भी कर्नाटक की विजय के साथ कर सकते हैं और उसी जीत की तैयारियों के सिलसिले में ये कार्यकारिणी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। गुजरात की जीत का जश्न जो है आज यहाँ कार्यकारिणी की बैठक से पहले मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो को यहाँ पर अंजाम देंगे, तकरीबन 500 मीटर लंबा रोड शो होगा, उसकी तैयारियां आप देखिए। इस पूरे संसद मार्ग थाने के जो रास्ता है इसको दुल्हन की तरह सजाया गया है, अलग अलग राज्यों के लोक कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि यहाँ पर जो रंग बिरंगी छटा है वो बिखरी रहे। कार्यकर्ता और जो तमाम जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में हिस्सा लेने आ रहे हैं वो इन नृत्य के जरिए लुत्फ उठाते रहे और यहाँ पर जो है रंग बिरंगी छटा बिखरी रहे। लेकिन 2 दिनों की कार्यकारिणी में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो लोकसभा चुनाव तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देखिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी हैं।
मनोज जी आज तो आप पूरी तरह से भगवा रंग में रंग के आए हैं। नमस्ते। आज देखिए आज क्या, हम तो भगवा में हमेशा से हैं, कपड़े तक तो सीमित नहीं है, लेकिन मेरा आज थोड़ा सा खुशी का मानक बढ़ा हुआ है, क्योंकि आज लोगों को 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़ी देर के लिए दिल्ली की सड़कों पे लोगों का अभिनंदन करेंगे। तमाम लोग आ रहे हैं, करोड़ों घरों में शौचालय देने वाले, 80 करोड़ को फ्री अनाज देने वाले और न जाने कितने 55 करोड़ के आसपास लोगों को उनका इलाज फ्री देने वाले, ऐसे प्रधानमंत्री जी आज जब यहाँ सड़क पे आएंगे तो हमें याद आएगा कि वो कल भी सड़क पे थे, आज भी सड़क पे हैं और कल भी सड़क पे रहेंगे, क्योंकि ये वो सड़क से ही खड़े हुए हैं और सड़क के लोगों का दर्द समझते हैं। तो ये जो गुजरात की जीत का जश्न है वो रोड शो के जरिए है, गीत संगीत बज रहा है, गुजरात की जीत के जश्न और 2024 की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए कौन सा गीत गुनगुनाएंगे? देखिए हम लोग तो हमेशा यही कहते हैं कि बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना। हम तो बीजेपी का मतलब ही सेवा है, नरेंद्र मोदी का मतलब ही सेवा है, मोदी जी का मतलब सेवा है, अपने दिल में बसाए रखना। तो हम लोग तो हमेशा से इस पंक्ति को लेकर के चले हैं और आप देख सकते हैं कि जो सड़क पे हमेशा से रहे हो वो कोरियोग्राफ नहीं है, जो लोग कोरियोग्राफिक तरीके से दिमाग में कोरियोग्राफ, ट्वीट पे कोरियोग्राफ, मन में कोरियोग्राफ, तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इससे बहुत ऊपर है और जाएंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति हो रही है, हम कार्य समिति के सदस्य के रूप में, हमारा ये भाई कुलजीत चहल, ये सब लोग व्यवस्था में लगे हैं। जी बात कर लेते हैं कुलजीत जी, ये जो रोड शो की व्यवस्था है आप ही के जिम्मे है, तो रोड शो के जो रंग है वो किस तरह से आप देख रहे हैं? यहाँ तो हमने देखा कि सरकार की जो योजना है, जो खासतौर पर मिडिल क्लास को फोकस करने वाली योजना है, उनके नाम लिखे हुए। देखिए आज दिल्ली की जनता, दिल्ली के कार्यकर्ता बहुत उत्साही हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के आने में एक लंबा समय है, पर जो रोड शो पे हजारों लोग अभी खड़े हो चुके हैं, आप देखेंगे तो आप योजनाएं और पूरे खड़े हैं, क्योंकि वो अपने प्रधान सेवक का स्वागत करने जा रहे हैं मोदी मोदी के साथ। और जो योजनाएं, चाहे उज्ज्वला गैस का हो, जहां झुग्गी वहां मकान हो, जहां गरीबों को बिजली मिलनी हो, दिल्ली की रोड और सर्विस हो, पर ये दिल्ली का एक ऐतिहासिक रोड शो है। पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले इस तरह का एक भव्य स्वागत, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी, गरीबों के नेता नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारे को अयोध्या का मंदिर दिया नरेंद्र मोदी जी, विश्वनाथ काशी कॉरिडोर दिया नरेंद्र मोदी जी, ऐसे नरेंद्र मोदी, खेलो इंडिया उसका धन्यवाद कर ले, जो राजपथ था उसको कर्तव्य पथ कर दिया ऐसे नरेंद्र मोदी जी का, सभी प्रदेश आप देखेंगे, पंजाब से, उत्तरांचल से, गुजरात से, बिहार के, अलग अलग प्रदेशों के लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन और धन्यवाद करने यहाँ आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, वरना दिल्ली में तो और ज्यादा काम हो जाता। एब्यूजिंग और एक्यूजिंग की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल, जिनका दिल्ली से डिब्बा डोल हो गया है, वो तो पर्ची लिख के देते हैं, गुजरात में भी लिख के दी थी, जीरो हो गया, और आने वाले 2024 के चुनाव में 5 से 6 लाख से ऊपर के मार्जिन से 700 सीटें, और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है। दो दिनों के इस मंथन के लिए बहुत उत्साह लिखा हुआ है, जहां स्तर पर तैयारी भी की गई है। मैं आती हूँ आपके पास विकास। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।